गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग आज सेकंड एंड वीडियो पर आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर अभी तक हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक इस तरह की चीज़ है जो बहुत ही टफ पड़ती है, हमने बहुत सारी बुक्स रिफर करी उसके बावजूद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है। सो बच्चों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में लेते हुए मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस के बहुत ही एकदम ईजी से छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह आप लोग याद कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस किस तरह से होते हैं। सो जस्ट वी आर मूविंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। फर्स्ट वन इज अ सिंपल, सेकंड इज अ कंपाउंड एंड थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि हम लोग कभी जनरली गुजराती, हिंदी और सभी अलग अलग लैंग्वेज देखते हैं तो उसके अंदर भी सेंटेंस तीन टाइप के आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सिंपल सेंटेंस, यानी क्या हो गया एकदम नॉर्मल, यानी सारा वाक्य। हम जब कंपाउंड का यूज करते हैं कंपाउंड में हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य, जब दो सेंटेंस को हम क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स यानी क्या हुआ, किसी बात को हम क्या करते हैं घुमा फिरा के बोलते हैं, तो वो सेंटेंस क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उसी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, एक एक करके मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगा, उससे आपको इसके बारे में आइडिया आ जाएगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सो वी आर मूविंग ऑन द फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको खाली दो ही चीजें देखनी है कि कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल होगा तो उसके अंदर खाली क्या आएगा, हमें एक सिंगल वर्ब आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, आईएनजी का फॉर्म। अगर आप ये दो चीज का यूज करें तो आप सिंपल सेंटेंस एकदम इजीली बना सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द चिल्ड्रन वर लाफिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आईएनजी लाफिंग, तो ये क्या हुआ सिंपल सेंटेंस सजेस्ट कर रहा है। उसी तरह देखिए सेकंड सेंटेंस मैंने यूज करा हुआ है, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट फॉर अ प्ले, मैंने मेरा काम खत्म किया और मैं खेलने चला गया। उसमें भी आपको किसका यूज दिखाई दे रहा है, हैविंग, यानी आपको सेकंड फॉर्म दे रहा है आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस बनेगा। एंड थर्ड वन, अ स्विमिंग इज अ बेस एक्सरसाइज, स्विमिंग के अंदर भी आपको क्या देख रहा है वर्ब के अंदर आईएनजी, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस बनेगा। ओके देन नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपाउंड सेंटेंस यानी क्या हुआ, दो सेंटेंस को आप ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह से आप ज्वाइन कर रहे हैं, एंड लगाया आपने बीच में, ऑल लगाया आपने, बट लगाया, बिकॉज लगाया, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन का आप यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए आपने मैंने यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं, अ कंपाउंड सेंटेंस इज ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, इन कंपाउंड सेंटेंस वी यूज सो मेनी कंजंक्शन लाइक एंड, ऑल, बट, अदरवाइज, सो, एज, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ, येट, एंड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन का यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल तो देखे हुए हैं, वी स्टे बिहाइंड एंड फिनिश द वर्क, हम लोग पीछे से रुके और हम हमारा काम खत्म करके गए। यहाँ पे भी मैंने इसका यूज करा हुआ है एंड, आपको दिखाई दे रहा होगा कंजंक्शन एंड, तो ये सेंटेंस कौन सा बनेगा हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसी तरह सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ मैंने, वी लुक एवरीवेयर बट वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमने सभी जगह देखा लेकिन, बीच में मैंने इसका यूज करा हूं लेकिन, मींस व्हाट, बट, तो बट का यूज करा तो ये भी सेंटेंस क्या बनेगा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। थर्ड वन, दे आर कमिंग बाय कार सो दे शुड बी हियर सून, इसका अगर मीनिंग देख रहे हैं, दे आर कमिंग बाय कार, वो लोग गाड़ी से आ रहे हैं इसलिए दे शुड बी हियर सून, इसलिए वो लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे किसका यूज करा हुआ है सो का, जिससे वो भी क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है। ओके देन वी आर मूविंग ऑन थर्ड टॉपिक इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमें बहुत सारे डाउट आते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इजी चीज दी होगी मैंने यहाँ पे, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज आल्सो यूज्ड टू जॉइन टू डिफरेंट सेंटेंस, पर हम लोग इसका यूज भी दो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए करते हैं, पर किसका यूज करके, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी यूज डब्ल्यू एच फैमिली, किसका यूज करते हैं हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली इन द सेंस अ वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाई, व्हाट, बहुत सारे चीजों का यूज कर सकते हैं, प्रोवर्ब लाइक व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, व्हेन, व्हाई, दैट, एज वेल एज आप उसका दैट का भी यूज करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं, हर फादर डाई व्हेन शी वाज वेरी यंग, उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो बहुत ही यंग थी, तो भी आप सेंटेंस के अंदर क्या, जैसे मैंने यूज करा डब्ल्यू एच का, और डब्ल्यू एच का यूज आप उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या मिडल में भी कर सकते हैं, वो सेंटेंस ऑलवेज क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। सेकंड वन, शी हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड बिकॉज हर फादर डाइड व्हेन शी वाज वेरी यंग, उसका बचपन क्या रहा बहुत ही मुश्किल भरा रहा, बिकॉज या तो मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है व्हेन शी वाज वेरी यंग, जब वो बहुत ही छोटी थी, यानी आपको मैंने देखा तो मैंने यहाँ पर सेकंड बीच में भी क्या करा हुआ डब्ल्यू एच का यूज करा हुआ, वो भी सेंटेंस क्या बन सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। एंड थर्ड वन,
Do you know the best secure place in Ahmedabad? Well, best place. जब भी आप बहुत सारे sentence का use करते हैं, कभी-कभी आप बोलते हैं ना कि क्या आप वो Ahmedabad के अंदर ऐसी कोई जगह जानते हैं जहाँ पर हम लोग आराम से रह सकते हैं? तो ये sentence को आप थोड़ा सा कैसे कर रहे हैं? Complex बना रहे हैं. Okay, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, Do you know the best secure place in Ahmedabad? Well, best place. यानी अगर WH का यूज करके आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इजीली बना सकते हैं. आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सभी के तीन चीजें पढ़ने के बाद आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा. अगर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम रहे तो मैं मुझे आप आपकी मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.